गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से एडवोकेट पंकज जोशी फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए लैंडमार्क डिसीजन की इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में हम एक और लैंडमार्क डिसीजन डिस्कस करते हैं जिसका नाम है जाबिर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 का केस है। ये बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन है। यहाँ पर लास्ट सीन थ्योरी को सुप्रीम कोर्ट ने फेल कर दिया था, जबकि सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया था और उसी आधार पर एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया गया था। मगर ये लास्ट सीन थ्योरी सुप्रीम कोर्ट ने किन्हीं आधार के कारण जो है एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर प्रोसिक्यूशन लास्ट सीन थ्योरी को संदेह के परे सिद्ध नहीं कर पाया था। ये लास्ट सीन थ्योरी जिसके आधार पर कन्विक्ट किया गया, कन्विक्शन दिया गया, वो संदेह के परे साबित नहीं हो पाई, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस थ्योरी को डिनाई किया और एक्यूज को एक्विट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट सीन थ्योरी करोबेट नहीं हो पा रही थी, सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस को संदेह के परे सिद्ध नहीं कर पा रही थी, इसलिए लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पर फेल होती हुई नजर आई और सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर एक्यूज को एक्विट कर दिया गया और कन्विक्शन को जिसे कहते हैं खारिज कर दिया गया। केस के फैक्ट सुनिए। यहाँ पर एक 7 साल का बच्चा होता है, 7 ईयर ओल्ड एक बॉय होता है, जो 8/10/1999 को लापता मिसिंग हो जाता है, गायब हो जाता है और उसी क्रम में फिर 10/10/1999 को उसकी डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में पाई जाती है। यहाँ पर मिसिंग रिपोर्ट करवाई जाती है, उसके जस्ट 2 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में पाई जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। इस मर्डर होने के अप्रोक्सीमेटली 42 डेज 42 दिन के बाद FIR दर्ज होती है। सेकेंड डे या थर्ड डे FIR लॉज नहीं करवाई जाती। इस मर्डर होने के 42 दिन के बाद एक FIR लॉज होती है और वो FIR 156(3) CRPC के अंतर्गत करवाई जाती है। 156(3) CRPC में ये FIR लॉज होती है और इसी क्रम में जो है 42 दिन के बाद यानी इतना डिले जो FIR लॉज होती है, ये पूरे केस में एक सस्पिशन पैदा होता है। FIR लॉज होने के बाद IPC के सेक्शन 302, 302, 364 और 201 में जो है एक मुकदमा दर्ज होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। यहाँ पर फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है, FIR पेश की जाती है, फाइनल रिपोर्ट पेश की जाती है और फाइनल रिपोर्ट पेश होने के बाद CRP के सेक्शन 209 के अंतर्गत सेशन कोर्ट को मामला कमिट किया जाता है। 228 में सेक्शन 302, 364 और 201 में आरोप निश्चित किए जाते हैं, आरोप फ्रेम किए जाते हैं और फिर पूरे मामले का ट्रायल होने के बाद सेक्शन 235 में इन अक्यूज्ड को जो है कन्विक्ट कर दिया जाता है। सेक्शन 302, 364 और 201 के अंतर्गत इनको जो है अबेक्शन के लिए, किडनैपिंग के लिए, लाश को डिस्पोज करने के लिए और मर्डर करने के क्रम में आजीवन कारावास, 5 साल का कारावास और 7 साल का कारावास अल्टरनेटिव सुनाया जाता है। और जब ये मामला अपीलकर्ता अपीलांट हाई कोर्ट में पहुंचते हैं तो भी हाई कोर्ट इस पूरे कन्विक्शन की पुष्टि कर देता है और सजा को मान्य करता है और अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया जाता है। यहाँ पर जो सस्पिशन वो पैदा होता है, वो पैदा होता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन था, वो था आपका लास्ट सीन थ्योरी, जो एविडेंस के अकेजन और ट्रिनिटी के कारण पैदा होता है लास्ट सीन थ्योरी। यानी इस पूरे केस में गवाहों के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर मृतक को आखिरी बार 3 एक्यूज के साथ देखा गया था, मृतक को रोड के पास 9 तारीख को इसके साथ देखा गया था, 8 तारीख को ये गायब हुआ और 9 तारीख को भी विटनेस ही कह रहे थे कि हमने उसी गन्ने के खेत के पास रोड पर डिसीज्ड को आखिरी बार इन एक्यूज के साथ देखा। लेकिन यहाँ पर सस्पिशन ये हो रहा था कि विटनेस जब कह रहे थे कि हमने उसे रोते हुए देखा, वो बच्चा रो रहा था और ऐसा बताया गया इस पूरे इस घटनाक्रम में कि एक्यूज्ड और डिसीज के परिवारजनों के बीच कोई फैमिली फ्यूड था, पुश्तैनी दुश्मनी थी और इस बात का जो पता था वो गवाहों का था, क्योंकि गवाह भी उसी परिवार से संबंधित थे, गवाह कोई गैर लोग नहीं थे, अजनबी लोग नहीं थे, गवाह भी उसी परिवार से संबंधित थे, तो उन्हें इस बात का अच्छे से पता था कि इन परिवार के बीच फैमिली फ्यूड है, पहली बात। और दूसरी बात, वो बच्चा रो रहा था
तो उन्हें इंटरफेयर करना चाहिए था, उन्हें पुलिस को सूचित करना चाहिए था, उन्हें उनके परिवारजनों को सूचित करना चाहिए था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि कहानी पूरी तरीके से फैब्रिकेटेड थी, पूरी तरीके से मनगढ़ंत थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी बहुत अच्छी तरह से स्क्रूटाइज किया, बहुत अच्छी तरीके से जांचा और उन्होंने प्रोसिक्यूशन की जो कहानी अविश्वसनीय लगी, संदेह से परे साबित होती हुई दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने इस कहानी पर किसी भी प्रकार भरोसा नहीं किया। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि जो FIR लॉन्च कराई गई वो 42 दिन के बाद क्यों दर्ज करवाई गई। ये कहानी में दूसरा ट्विस्ट था, यानी एक प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी थी इन लोगों को फंसाने की। यदि कहानी में दम होता और कहानी ऑथेंटिक होती तो सेकेंड डे FIR लॉन्च हो सकती थी, लेकिन FIR 42 डेज के बाद दर्ज करवाई गई। यहाँ पर जिसने विटनेस दिया उससे लगभग इन्वेस्टिगेशन FIR लॉन्च होने के लगभग 2 महीने के बाद यहाँ पर उससे बयान लिए गए, यानी सारा जो मैटर था वो फैब्रिकेटेड था, कनेक्टेड था, ये क्रॉपअप स्टोरी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं पहलुओं पर ध्यान दिया, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं पहलुओं को कंसिडर किया। उन्होंने कहा कि जो है आपका जो दो विटनेस थे उन्होंने यहाँ पर इंटरफेयर क्यों नहीं किया, और यहाँ पर सिर्फ एक ही मैटर, एक ही करोबरेटिव एविडेंस था, वो थी लास्ट सीन थ्योरी, और वो भी पूरी तरीके से होल्ड वाटर होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। कोई गवाह आपस में करोबरेट नहीं कर पाए, कहानी मनगढ़ंत सी लगी। और कहानी में गवाहों का ये कहना कि साहब फैमिली फ्यूर थी और हमने अंतिम बार देखा और वो भी उसके पारिवारिक सदस्य ही थे, तो फिर उन्होंने इंटरफेयर क्यों नहीं किया, इस कहानी में सस्पिशन पैदा होता है। 12 विटनेस थे और 12 विटनेस एक ही परिवार के थे, 12 विटनेस सेल्फ इंटरेस्टेड विटनेस थे, एक ही परिवार से थे, कोई अलग, कोई दूसरा, कोई अननोन चश्मदीद गवाह नहीं था। इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस कहानी पर किसी भी प्रकार रिलाई नहीं किया और उन्होंने कहा यह पूरी कहानी फैब्रिकेटेड है, लास्ट सीन थ्योरी यहाँ पर संदेह से परे प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाया, और कोई ऑक्यूलर विटनेस नहीं था, हथियार की कोई रिकवरी नहीं थी, किसी प्रकार का कोई रिकवरी नहीं थी, और उनके बीच कोई विशेष मोटिव नहीं था। यहाँ पर सबसे बड़ा रीजन था कोई मोटिव नहीं था, सिर्फ कॉज था कि फैमिली फ्यूड को एलिब्रेट करने की कोशिश की थी। इन गवाहों ने एक्यूज को फंसाने की कोशिश की थी, इम्प्लिकेट करने की कोशिश की थी, मगर ये कहानी यहाँ पर सफल होती हुई नज़र नहीं आई, इसलिए जो है मामला नज़र नहीं आया। और यहाँ पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट ऑफ व्यू को खारिज कर दिया कि इस मामला प्रोसिक्यूशन संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक्यूज को एक्विट कर दिया गया, और सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने जो कन्विक्शन दिया था उसको सेट असाइड कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर कोई अकेजन और अपॉर्चुनिटी का लास्ट सी थ्योरी पैदा होती है कि अभियुक्तों को अंतिम बार डिसीज के साथ देखा गया और उनके बीच कोई मोटिव नहीं था मारने का, कोज नहीं था, और कोई हथियार नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई कॉरोबरेटिव एविडेंस नहीं था, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, कोई ओक्यूलर विटनेस नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ कहानी जो है बिल्कुल सत्य से परे साबित होती हुई नजर आई। और सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर पूर्ण रूप से इस सत्य को खारिज कर दिया कि साहब अभियुक्तों को अंतिम बार डिसीज का देखा गया था, केवल इसी थ्योरी पर एक्यूज को सजा दे देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सत्यता से परे साबित होती नजर आती है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इस मामले को संदेह के परे साबित सिद्ध नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर लास्ट सी थ्योरी करोबरेट नहीं होती है। केवल एक सरकमस्टेंशियल एविडेंसेस थी, 42 दिन के बाद FIR दर्ज करवाना, विटनेस का किसी तरह से कोई दखल नहीं देना, इस प्रकार की दोष सिद्धि को समय की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। FIR 42 दिन के बाद लॉन्च होती है, विटनेस मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं और वो ये कहानी बनाते हैं जो कहानी सत्यता पर, समय की कसौटी पर, एविडेंस के अग्नि परीक्षा पर खरी होती हुई नजर नहीं आती है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक नया पॉइंट ऑफ व्यू लिया कि लास्ट सी थ्योरी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, इस आधार पर इस केस को खारिज किया जाता है और अभियुक्तों को कन्विक्शन रद्द किया जाता है और उनको बाइज्जत एक्विट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लैंडमार्क डिसीजन जिसका नाम था जाबिर वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 का केस था, सुप्रीम कोर्ट का केस था। इस पर अपने लास्ट सीन थ्योरी पर प्रकाश डालने की कोशिश की है, बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन था जिसके जरिए हमने कुछ लोगों के लीगल फैक्ट्स को क्लियर और एलिब्रेट करने की कोशिश की है।
ताकि इसमें एविडेंस की कुछ सेक्शन शामिल हुए यहाँ पर, जैसे कि आईपीसी का 302, 364 और 201 को इंक्लूड किया गया। सीआरपीसी में 209 के अंतर्गत सेशन कोर्ट को मामला कमिट किया गया, 228 के अंतर्गत आरोप विचित किए गए और 235 के अंतर्गत सीआरपीसी में सेशन कोर्ट ने उसके आधार पर कन्विक्शन दिया। वह एक्विट भी कर सकता था, वो कन्विक्शन भी कर सकता था, मगर सेशन कोर्ट में लास्ट सी थ्योरी को थोड़ी सी वेटेज दी गई, प्रायोरिटी दी गई और इसी चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रायोरिटी नहीं दी गई। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लैंडमार्क डिसीजन है। उम्मीद है आपको हमारी लैंडमार्क डिसीजन किस्सा क्रिमिनल केस का सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। यदि आपको ये सीरीज पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट है आप हमारी प्रेजेंटेशन पर कमेंट दें। आपका कमेंट ही हमें और मजबूत बनाएगा और हमें प्योरीफाई करेगा और रेक्टिफाई करेगा, पॉलिश अप करेगा। तो हम आपसे कमेंट की उम्मीद करते हैं। इसी के साथ हार्दिक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।